सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो टीवी पंजाब ते अमेरिका बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। नज़र पाउने आ अमरीका दीआं कुछ खबरां ते। अमरीका दे साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा दे घर नेड़ियों एक शक्की नूं गिरफ़्तार किया गया है। जदों सुरक्षा अधिकारियों ने उस नूं ओबामा दे घर दे नेड़े देखिया तां उस दा पिछा करना शुरू कर दिता। इस व्यक्ति कोलों विस्फोटक ते खतरनाक हथियार बरामद होए ने। अमरीका दे साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा दे घर नेड़ियों एक शक्की नूं गिरफ़्तार किया गया है। यह व्यक्ति कोलों विस्फोटक ते खतरनाक हथियार बरामद होए ने। पुलिस मुताबक व्यक्ति की पछाण सियाटल दे रहण वाले 37 साला टेलर टैरेंटो वजो हुई है। कहा जाता है कि सुरक्षा अधिकारियों ने उसनू ओबामा दे घर दे नेड़े देखिया ते उसका पिछा करना शुरू कर दिता। इस तो बाद टैरेंटो ओबामा दे घर वल भजन लगा सी तां समय सिर फड़िया गया। जानकारी मुताबक ये व्यक्ति US कैपिटल राइट्स दे विच भी लोड़ींदा है। गिरफ्तारी दौरान अधिकारियों नू टैरेंटो की गड्डी भी बरामद हुई है, जिस विच बहुत सारे हथियारां अते विस्फोटक समगरी रखी हुई है। हालांकि इन्हां हथियारां की हाले तक वरतों नहीं की गई। CBS न्यूज़ के अनुसार टैरेंटो ने पहला लाइव प्रसारण दौरान सोशल मीडिया से एक प्रसिद्ध शख्सियत नू धमकियां दित्तियां सन। इस तो अलावा 6 जनवरी 2021 नू होए राजधानी दंगियां च भी टैरेंटो खिलाफ वारंट जारी किया गया है। बराक ओबामा दे घर नेड़े ड्यूटी ते तैनात अधिकारियों ने देखा कि ओबामा दे घर दे नेड़े टैरेंटो मौजूद सी। वह पिछले कुछ महीनों तो DC एरिए रह रहा सी। वो अपनी वैन नाल DC जेल के बाहर कैंप करता भी नज़र आया सी। 6 जनवरी की घटना के कई दोषी इस जेल में ही बंद ने। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सुप्रीम कोर्ट वालों विद्यार्थी कर्जिया माफ़ करन दी योजना रद्द करन तो बाद शनिवार को विद्यार्थी राहत लई एक विकल्पिक योजना पेश करन दा भरोसा दिता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो कुछ घंटिया बाद व्हाइट हाउस तो बाइडन की टिप्पणी अगले साल होने वाली राष्ट्रपति चोणों के मद्देनज़र अपना सियासी आधार मजबूत करने की कोशिश वजो वेख्या जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वालों अरबा डॉलर के विद्यार्थी कर्जिया माफ़ करने की योजना रद्द करने तो बाद अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार को विद्यार्थी राहत लई एक विकल्पिक योजना पेश करने का भरोसा दिता। बाइडन ने कहा कि आने वाले हफ्तों विद्यार्थी कर्जे की अदायगी की जरूरत होगी, पर वह विद्यार्थी लोन भुगताना डिफॉल्टर होने के जोखम को घटाने लई तैयार किए गए उच्च सिक्ख्या एक्ट के तहत एक नवा प्रोग्राम पेश करन ते काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो कुछ घंटिया बाद व्हाइट हाउस तो बाइडन की टिप्पणी को अगले साल होने वाली राष्ट्रपति चोणों के मद्देनज़र अपना सियासी आधार मजबूत करने की कोशिश वजो वेख्या जा रहा है। महत्वपूर्ण गल यह है कि इस तो पहला बाइडेन प्रशासन ने लखा फैडरल विद्यार्थी कर्जिया रद्द करन जां घटाउण लई 400 बिलियन डॉलर की योजना का प्रस्ताव किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना रद्द कर दिता सी। उधार लैण वालियां नूं झूठी उम्मीद देण बारे एक सवाल के जवाब च बाइडन ने कहा कि मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दिती। उम्मीद की जो किरण सी वह रिपब्लिकन पार्टी के मैंबरों ने खो ली है। अमरीका च 20 साल मगरों पहली बार स्थानक पद्धर से मलेरिया की लपेट च आए 5 मरीजों ने सेहत विभाग नूं हत्थां पैरां दी पा दिती। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वालों डॉक्टरों अते सेहत विभाग के अधिकारियों को भविख च सुचेत रहने लिए आख्या गया है। अमरीका च पिछले 2 दहाके दौरान सामने आए मलेरिया के मरीज़ विदेश यात्रा दौरान इसकी लपेट च आए तो स्थानक पद्धर से किसी मरीज़ की जानकारी सामने नहीं आई। दुनिया च हर साल मलेरिया के 24 करोड़ मरीज़ सामने आते हैं तो इन्हां विचों 95% अंकड़ा अफ्रीका महाद्वीप नाल संबंधित होंदा है। भावें अमरीका के कुछ इलाकों में मच्छर होंदे ने, पर मलेरिया वर्गी बीमारी बेहद घट मौकों पर सामने आती है। विज्ञानियों का कहना है कि हुण अमरीका विच भी मलेरिया के मरीज़ आम हो सकते हैं तो इसका सब तो वड्डा कारण गर्म हो रहा मौसम है। अमरीका के दक्षणी राज्यां अते गुआंढी मुल्क मैक्सीको च गर्मी का कहर
काफ़ी है। मैक्सीको के कुछ इलाकों में तापमान 50 डिग्री सैलसीयस तक पहुँच गया है। तो सेहत मंत्रालय मुताबक पिछले दो हफ्ते दौरान 100 तो वध लोग अपनी जान गवा चुके हैं। गर्मी कारण मैक्सीको बिजली की मंग भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच गई है और लंबे कट कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई ने। 4 बार अकैडमी अवार्ड लिए नामजद ऑस्कर पुरस्कार नाल सम्मानित मशहूर अमरीकी अदाकार एलन ऑर्किन का देहांत हो गया। यह जानकारी उन्होंने परिवारक मैंबरों वालों साझी की गई है। उन्होंने मौत पर कई हॉलीवुड हस्तियों ने सोग जताया। मशहूर अमरीकी अदाकार एलन ऑर्किन का देहांत हो गया। वह 99 साल के सन। उन्होंने पुत्रा एडम मैथ्यू ते एंथनी ने अपने पिता के देहांत बारे जानकारी दी। उन्हें एक सांझे बयान च कहा, साडे पिता एक कलाकार ते एक व्यक्ति दे रूप च एक विलक्षण प्रतिभावान इंसान सन। एलन ऑर्किन दे कैरियर की गल करिए तां ओ कई फिल्मां च काम कर चुके ने। उन्हां नूं 4 बार अकैडमी अवार्ड लई नामजद किया गया सी ते कार्ल रेनर की एंटर लाफिंग विच उन्हां अपनी पहली मुख भूमिका लई 1963 च ब्रॉडवे का चोटी का सम्मान टोनी अवार्ड जितया सी। उन्होंने 1966 की कोल्ड वॉर कॉमेडी द रशियंस आर कमिंग च एक सोवियत मलाह की भूमिका लई सर्वोत्तम अभिनेता अवार्ड भी जितया। उन्हां दी मौत की खबर तो बाद हॉलीवुड जगत च सोग की लहर है। उन्हां दी मौत ते कई हॉलीवुड हस्तियां ने सोग जताया। अपने मजाकिया अंदाज लई मशहूर अते बहुपक्षी प्रतिभा लई जाने जांदे ऑर्किन नूं 2007 च लिटल मिस सनशाइन लई ऑस्कर पुरस्कार मिलिया सी। अमरीका दे स्कूलां च प्राइमरी पद्धर ते हिंदी भाषा की पढ़ाई लई एशिया सोसाइटी अते इंडियन अमरीकन इंपैक्ट दे जन प्रतिनिधियां ने राष्ट्रपति जो बाइडन नूं प्रस्ताव सौंपिया। इस विच 816 करोड़ रुपए के फंड नाल 1000 स्कूलों हिंदी की पढ़ाई शुरू होगी। हिंदी भाषा की पढ़ाई अगले साल सितंबर तो शुरू हो सकती है। अमरीका के स्कूलों में प्राइमरी पद्धर से हिंदी भाषा की पढ़ाई लिए राह खुल गया है। एशिया सोसाइटी और इंडियन अमरीकन इंपैक्ट नाल जुड़े 100 तो ज़्यादा जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति जो बाइडन इस संबंधी प्रस्ताव सौंपया। इस 816 करोड़ रुपए के फंड नाल 1000 स्कूलों च हिंदी की पढ़ाई शुरू होगी। संभावना है कि भारत प्रति बाइडन के सकारात्मक रवैये और अगले साल होने वाली राष्ट्रपति चोणों के मद्देनज़र इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। हिंदी भाषा की पढ़ाई अगले साल सितंबर तो शुरू हो सकती है। AS और IAS ने हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू करन ते अध्यापकों की व्यवस्था अते कोर्स शुरू करन च मदद का भरोसा दिता है। प्राइमरी जमातों तो शुरू होने वाली हिंदी की पढ़ाई च अंग्रेजी तो बाद हिंदी नू दूजी भाषा वजो चुनन का विकल्प होवेगा। अमरीका च रहने वाले भारतीय मूल के लगभग 45 लाख लोगों चो 9 लाख तो वध लोगों द्वारा हिंदी सब तो वध बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। इस समय अमरीका च हाई स्कूल पद्धर ते हिंदी दे कोर्स चलाए जा रहे हैं। इस विच हिंदी दा सिर्फ मुढ़ला अध्ययन ही पढ़ाया जाता है। इंडिया इंपैक्ट दे प्रधान नील मखीजा दा कहना है कि जदों बच्चों नूं शुरुआती जमातों तो हिंदी नहीं सिखाई जाती अते अचानक हाई स्कूल पद्धर ते हिंदी दा विकल्प आउंदा है तां बच्चे इस भाषा नूं बिल्कुल नहीं समझते। हुण बच्चे प्राइमरी जमातों तो हिंदी शुरू करन दा लाभ लै सकणगे। अमरीका च भारती बोलता वाले राज्यां न्यूजर्सी टैक्सास न्यूयॉर्क अते कैलिफोर्निया च हिंदी पढ़ाउण वाले तकरीबन 10 स्कूल ने। न्यूजर्सी च अजिहा ही एक स्कूल चलाउण वाले बिशन अग्रवाल का कहना है कि शनिवार नूं 5 तो 16 साल के बच्चों हिंदी सिखाई जाती है। कोर्स के 3 पड़ा तय किए गए हैं, शुरुआती सैकेंडरी अते उच्च पद्धर। 20 साल पहला तक अमरीका च हिंदी पढ़ाउण वाला कोई स्कूल नहीं सी। हिंदी स्कूलों विच बच्चों के दाखले च भी वाधा होया है। फिलहाल इजाजत दिओ, देखते रहो TV पंजाब।